गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है। और मैंने क्या बनाया है उसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और टेस्ट करके फिर मुझे बताइएगा उसका नाम क्या रखना है। तो चलिए किचन में चलते हैं, फॉलो मी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 1 टेबल स्पून घी और इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी। घी गरम हो गया है, अब मैं नीचे ये कच्चे आलू की स्लाइस मैंने काटी है गोल गोल, इनको लगा दूंगी। ये मैंने आलू के स्लाइस लगा दिए, अब उसके ऊपर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस किए हैं तो मैं उनको लगा देती हूँ। और उसके ऊपर मैं डालूंगी, ये मैंने आटा नूडल्स बनाए हैं पतंजलि के, इनको स्प्रेड कर दूंगी इसके ऊपर, थोड़ा एक लेयर इनकी डाल दूंगी। और इनकी एक लेयर मैंने लगा दी है। अब इसके ऊपर ये 2 एग हैं, इसमें नमक प्याज और हरी धनिया मिला रखा है मैंने। अब एक लेयर मैं इसकी पूरे में स्प्रेड कर दूंगी। इसको मैंने फेंटा नहीं है, बस थोड़ा सा इसको फोड़ लेती हूँ इस तरीके से इसको। या आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ इसका रिज़ल्ट लास्ट में क्या निकलता है, टेस्टी निकलता है कि बेकार निकलता है। अब उसके ऊपर मैं डालूँगी ये थोड़ा मैक्रोनी, ये सिर्फ बॉईल कर रखी है मैंने, इनको कुछ मसाला ऐड नहीं किया है इनमें, थोड़ी सी मैक्रोनी। और उसके ऊपर ये चीज, फ्लेम लो ही रखी है और लो ही रखनी है हमको, हाई फ्लेम नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा। इसमें ये चीज डाल दी और ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा मैं ये स्वीट कॉर्न। कैप्सिकम के मैंने लंबे लंबे स्लाइस किए हैं, इनको इस तरीके से जैसे पिज़्ज़ा में लगाते हैं इस तरीके से मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी। और थोड़े से ये प्याज, इसको इस तरीके से मैं फैला दूंगी और थोड़ा इसको अच्छे से और स्प्रेड कर देती हूँ। ये अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब ये थोड़ी सी नूडल्स मैंने बचाई थी, इसको और डाल देती हूँ ऊपर से। और अब डालूंगी मैं ये थोड़ी पिज्जा सीजनिंग और थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं ऊपर से, काली मिर्च, हरी मिर्च, कुछ और मसाले ऐड करना चाहो तो वो भी कर लो। ये सब तैयार हो चुका है, थोड़ी सी कैप्सिकम और डाल देती हूँ।
अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ कवर करके पकने के लिए। अब 10 टू 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसके जो साइड है वो थोड़े स्क्रैच कर लूँगी और इसको एक प्लेट में ऐसा ही निकालने की कोशिश करूँगी जैसा ये है। गैस ऑफ और ये आया नीचे और प्लेट में इसको निकालते हैं हम इस तरीके से ऐसे। तो ये क्या बन गया, इसका नाम तो मैंने कुछ रखा नहीं है, ऐसे ही मेरे माइंड में आया, कुछ आज एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। और अभी मैं इसको कट भी करती हूँ। और ये कट करके इस तरीके से पिज़्ज़ा टाइप से बन गया है, आप इसको एग नूडल्स पिज़्ज़ा कह सकते हैं। ये देखिए बहुत गर्म है। अब मैं इसको दक्ष को टेस्ट कराती हूँ सबसे पहले और देखती हूँ इसको पसंद आता है कि नहीं। आ रहा है पसंद? तो अच्छा है। चलिए दक्ष को तो पसंद आया और अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और बना के देखिएगा। इसको मैं खा रही हूँ सेज़वान चटनी के साथ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो ये बहुत स्पाइसी होती है, इसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको ब्रेड के साथ और इसके साथ खा रही हूँ चटनी के साथ। इस तरीके से मैं इसको ब्रेड में रोल कर लूँगी और टेस्ट करती हूँ। अच्छा टेस्ट आ रहा है, वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा फिर बताइएगा। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आ रहा है इसमें, नूडल्स का भी टेस्ट आ रहा है और चीज़ का भी टेस्ट आ रहा है, और जो नीचे हमने आलू के स्लाइस लगाए थे वो एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, तो मिला जुला टेस्ट अच्छा आ रहा है, ठीक लग रहा है मुझे तो। अभी बजने वाले हैं 6 और घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो बाहर घूम के आते हैं फिर आपसे बात करती हूँ। अभी डिनर हो चुका है और मैं यहाँ पे पीस रही हूँ, मतलब कि मैं घर में ही धनिया पाउडर बनाती हूँ अक्सर तर, कभी कभी चांस होता है जब मैं मार्केट से लाती हूँ, जब मैं घर में नहीं बना पाती हूँ, वैसे ज़्यादातर मैं घर में बनाती हूँ। तो मैं अभी धनिया पाउडर पीस रही हूँ, उसके लिए मैंने लिया है ये 200 ग्राम साबुत धनिया है, इसको मैंने 2 दिन बिल्कुल अच्छी कड़क धूप में सुखा लिया है
और ये थोड़ा सा जीरा लिया है मैंने, और दो तीन, ज़्यादा नहीं, बस दो तीन ये बड़ी इलायची ली है। इससे क्या होता है कि किसी किसी सब्जी में हमको ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने होते हैं, बस धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी डालनी होती है। तो धनिया पाउडर में इस तरह हम थोड़ी सी इलायची और जीरा भी पीस लेंगे, तो थोड़ा टेस्ट और उसमें अच्छा आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसमें मैं डाल देती हूँ जार में, और इसको बारीक एकदम पीस लेती हूँ। मार्केट का धनिया मुझे अच्छा नहीं लगता, वो पता नहीं क्या मिक्स कर देते हैं उसमें, उसको बिल्कुल ना तो टेस्ट आता है ना खुशबू आती है उसमें, तो इसीलिए ज़्यादातर मुझे घर का ही पिसा हुआ धनिया अच्छा लगता है। बाकी मसाले तो मार्केट के यूज़ कर भी लो, मिर्च, हल्दी वगैरह, वो तो मैं अधिकतर मार्केट का यूज़ करती हूँ, पर धनिया पाउडर मुझे घर का ही अच्छा लगता है। ये पीस के तैयार हो चुका है, और इसको मैंने काफ़ी बारीक पीस लिया है। अब इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ, इसमें मैंने ये जार में डाल दिया है, और ये इतना मेरा धनिया पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो ये आराम से 1 महीना, बल्कि उससे भी ऊपर आराम से चल जाएगा, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है, मार्केट के धनिये में ऐसी खुशबू नहीं आती है, और कलर भी बिल्कुल अलग ही लगता है मार्केट का। ये मेरा मार्केट वाला है रेडीमेड, तो इसमें इसमें ना तो बिल्कुल कोई खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या घास फूस मिला रखी है इसमें, और इसमें कलर भी इसका बड़ा अजीब सा है। तो इस तरीके से मैं धनिया पाउडर तैयार करके अपना महीने भर के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाइए, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा, और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।